भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का स्लोगन मेरा वोट मेरा भविष्य है, ताकत एक वोट की है। इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता की 5 श्रेणियां हैं, जिनमें प्रश्नोत्तरी, स्लोगन, गीत, वीडियो निर्माण प्रतियोगिता और पोस्टर डिजाइन शामिल है। इन प्रतियोगिताओं में विजेताओं को पुरस्कार राशि से सम्मानित भी किया जाएगा। वोटर्स के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए, वोटर्स से एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए एक कॉन्टेस्ट डिज़ाइन किया हुआ है, जो नेशनल वोटर्स डे अभी 25 जनवरी को मनाया गया था, तो 25 जनवरी से स्टार्ट करके ये 15 मार्च तक है। और इसके तहत 5 कैटेगरी में, जैसे क्विज है, प्रश्नोत्तरी जिसको हम कह रहे हैं, पोस्टर मेकिंग है, स्लोगन्स हैं, आपका वीडियो मेकिंग है और सॉन्ग्स हैं। और सभी कैटेगरी में जो एमेचर कैटेगरी है, जैसे जो लोग शौकिया जो बहुत प्रोफेशनल नहीं हैं, तो 3 कैटेगरी रखी है, एक एमेचर वाली है, दूसरा प्रोफेशनल वाली है और संस्थागत भी, इंस्टीट्यूशंस भी इसमें भाग ले सकते हैं। और इसके लिए पुरस्कार राशि भी रखी है उन्होंने, हर कैटेगरी में 3-3 पुरस्कार हैं। और जिनकी जो राशि है वो 50,000 है, 20,000 है, 1,00,000 है, 2,00,000 है, इस तरह सबका अलग अलग विवरण है, जो आपके प्रेस नोट में आपको जो लिटरेचर दिया है उसमें है, उसका डिटेल उल्लेख है उसमें। और हर आयु वर्ग के लिए ये अलाउड है, वो भाग ले सकते हैं, किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है। तो प्रयास ये है आपके माध्यम से और कि अधिक से अधिक लोग अपनी जो उनकी प्रतिभा है, जो टैलेंट है, प्रोफेशनल कैटेगरी में आप सभी लोग हैं, हम सभी लोग हैं, जितने भी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उन सभी से बात कर रहे हैं, तो अधिक से अधिक लोग इसमें भाग लें। और जो इसकी थीम है, एक वोट की ताकत, वो इन्होंने बनाया है, मेरा वोट मेरा भविष्य है, ताकत एक वोट की। इससे रिलेटेड आप गाने बना सकते हैं, उसकी भी अवधि निर्धारित है कि 3 मिनट से ज़्यादा का गाना नहीं होना चाहिए, 1 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं होना चाहिए। तो तमाम लोग, कोई भी व्यक्ति, किसी भी आयु वर्ग का, किसी भी संस्थान का, उनकी वेबसाइट पे लॉगिन करके अपने को रजिस्टर कर सकता है और आप ईमेल के माध्यम से अपनी एंट्री भेज सकते हैं। तो ये एक अवसर में सोचा यह गया कि आपके माध्यम से इसका एक थोड़ा व्यापक प्रचार प्रसार हो जाएगा। अलग से हम लोग कॉलेज से और सभी से बात कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इस प्रतियोगिता में भाग लें। और नेशनल लेवल पे, नेशनल, स्टेट वाइज, ये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित कॉन्टेस्ट है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से प्रतिभागी भाग लेंगे, विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में। तमिलनाडु का आदमी तमिल में एंट्री भेजेगा, हम हिंदी में भेजेंगे, गुजरात वाला गुजराती में भेजेगा, उड़ीसा वाला उड़िया में भेजेगा। और इससे क्या है कि एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा काफ़ी, जिसका उपयोग आप भविष्य में भी कर सकेंगे। हर क्षेत्र में रीजनल लैंग्वेजेस में उसका उपयोग किया जाएगा। संस्थान वाले में जो काफ़ी अच्छे संस्थान है, जैसे मान लीजिए कि फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे है, तो फिल्म इंस्टीट्यूट यदि एक वीडियो बनाता है इस पर, या कई कई म्यूजिक स्टूडियोज़ हैं, उनसे कुछ बनता है, तो हो सकता है कि वो पूरे कंट्री के लिए एक स्लोगन के रूप में काम करे और उससे और बेहतर इसका प्रचार प्रसार करने में मदद मिले। जिस समय चुनाव आएंगे, जिन राज्यों में चुनाव रहेंगे, स्लोगन वगैरह, उस समय क्या आयोग का उपयोग करने वाले? नहीं, अभी जो प्रतियोगिता है इसमें जिन राज्यों में चुनाव है उनसे कल बात नहीं हो पाई थी, लेकिन अगर कोई स्लोगन बनता है, अच्छा स्लोगन मिलता है, तो उसका तो उपयोग कभी भी प्रचार प्रसार के लिए किया जा सकता है। कोई अच्छी फिल्म बन जाती है, अपने यहाँ इतने फिल्म मेकर्स जनसंपर्क में माध्यम में पैनल हैं, अगर अच्छी फिल्म बनती है, अच्छी लगती है, तो उसका उपयोग हम लोग भी कर सकते हैं। और कुछ नहीं, हर चुनाव में वोटिंग परसेंटेज में इजाफा होता है, लोगों की सहभागिता बढ़ती है
और डेफिनेटली इस तरह के जब कार्यक्रम होते हैं, जो प्रयास होते हैं, तो जो नए वोटर्स हैं या अगले चुनाव तक जो लोग 18 साल की आयु प्राप्त करेंगे उनमें जागरूकता आती है, पूरा परिवार, सब लोग, एक व्यक्ति ने एक परिवार उससे जुड़ता है तो परसेंटेज तो बढ़ता है। और कुछ नहीं, ये हमने चुनाव पे नहीं बुलाया था उतनी जानकारी, लेकिन ऐसी कोई गंभीर या ऐसे कोई, ताकि अधिक से अधिक लोग इस प्रतियोगिता में भाग लें और इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन जो है मतदान की प्रक्रिया में जो सहभागिता है उसको और ज़्यादा बल मिले और उसको नई गति प्राप्त हो, ये प्रयास है। एक सेकंड, कुछ पूछ रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये रहती है। देखिए अभी जो उनके निर्देश आए हैं जो आपको दिया है वो ईमेल के माध्यम से है, लेकिन कल भारत सरकार माने भारत निर्वाचन आयोग के साथ भी हम लोगों की वीसी हुई थी तो ये सुझाव दिया है कि इसको मोबाइल बेस्ड कर दिया जाए, एक ऐप के माध्यम से कर दिया जाए ताकि एंट्रीज भेजने में और आसानी हो जाए। कोविड जो भी चला गया है तो इस तरह का भी कोई प्रस्ताव भेजा है कि हम इसको फिजिकली किया जाए? नहीं, फिजिकली अभी नहीं किया जाए, सिर्फ फिजिकली इतनी ज़्यादा संख्या में पूरी, चूंकि पूरे हिंदुस्तान से एंट्रीज आएंगी तो उसकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी, सेलेक्टेड जो लोग होंगे उनको जरूर लास्ट में, वो उस समय तक कोविड की स्थिति यदि सब ठीक रहता है तो अंतिम जो परिणाम होंगे वो डेफिनेटली दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम करके उसमें फिजिकल रूप से उपस्थिति रहेगी लोगों। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।